नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ की तरफ से आई हुई भर्ती को लेकर आपके पांच मेन सवालों के बारे में, जो कि आप में से ही बहुत सारे लोगों ने बीएसएफ भर्ती के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे हैं। ये सवाल बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। अगर आप लोग दसवीं पास हैं और बीएसएफ भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं पूरे के पूरे कमेंट को आपके सामने पढ़ने वाला हूं, साथ में आप सभी को जवाब भी देने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। इनमें से पांच सवाल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला, आवेदन फॉर्म कहां से मिलेगा, यानी कि आपको पता होगा कि बीएसएफ भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप लोग उसको भर के भेज सकते हैं। तो मेन सवाल है कि आवेदन फॉर्म कहां से मिलेगा। बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सलूशन इस वीडियो में मिलेगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म किस जगह पे भेजना है। अगर आपको फॉर्म मिल गया तो आपके मन में डाउट होगा कि इस आवेदन फॉर्म को भरने के बाद किस एड्रेस पे सेंड करना है और कैसे सेंड करना है, तो इसका जवाब भी मिलेगा। और यहाँ पर आवेदन शुल्क कैसे देना है, तो इसका जवाब भी इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा एग्जाम यानी कि परीक्षा होगी कि नहीं, इसका जवाब भी दूंगा। साथ में एज उम्र के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो उसका भी क्लेरिफिकेशन इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपके हम सवाल देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या सवाल करे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये रही वो वीडियो जो कि मैंने आप सभी को ऑफलाइन फॉर्म भरने के बारे में बताया था, और यहां पर अभी तक लगभग 18,900 लोगों ने इसको देख लिया है, और इसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जो कि आगे मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जैसे कि इसमें से बहुत सारे मेन कमेंट है। सबसे पहले मैं आपको यहां पे कमेंट पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप लोग देख सकते हैं, सर ये फॉर्म फिल करके कहां देना है। सबसे मेन कमेंट ये है, बहुत सारे लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं। और यहां पर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कितना हाइट होना चाहिए, इसका जवाब आपको पूरा का पूरा मिलने वाला। सबसे पहले आप कमेंट देख लीजिए, अगर आपका इनमें से कोई है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यहाँ पे बिहार के लिए है कि नहीं है, भाई वीडियो के बीच में ऐड आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका है। और इसके अलावा यहाँ पे सर ऑनलाइन फॉर्म कब आएंगे बीएसएफ के, तो अभी तो ऑफलाइन आए हुए हैं, और यहाँ पर एमपी वाले अप्लाई कर पाएंगे, तो जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन ना हो तो फिलअप हो सकता है, इसके बारे में हम नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे जब मैं बताऊंगा आपकी कि कैसे आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे, उसी के अंदर इसका जवाब देने वाला हूँ। साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे आपको। वैसे तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 10th प्लस 2 यानी कि अगर आप 12वीं पास है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे 17 ईयर हुआ है तो हम नहीं भर पाएंगे, तो आप लोग नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 18 साल से लेकर ऊपर वाले ही आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे एड्रेस कौन सा है सर जी, जैसे कि मैंने आपने थंबनेल में भी ऐड कर रखा है। सर फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसका लिंक भेज दीजिए। और यहाँ पर सर कहाँ पर भरेंगे, ये भी यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइट के बारे में डिस्कस किया गया, साथ में किस एड्रेस पर भेजना है, और इसके अलावा इन्होंने थैंक्स भी बोला है। साथ में एलिजिबिलिटी इज फॉर ऑल इंडियन और एलिज सम रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस, यहाँ पे कुछ इन्होंने पूछा है, तो इसके बारे में हम बताएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है ऑल इंडियन के लिए और कौन कौन सी जगह से क्या क्या छूट मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे वार्ड क्वालिफिकेशन पास नीड यहाँ पे बता दिया आपको, 10th प्लस 2 यानी 12वीं पास। साथ में यहाँ पे और भी है, जैसे कि यहाँ पे एज लिमिट के बारे में इनको डाउट है, जो कि मैंने अपने थन में लगा रखा है। और यहाँ पर कश्मीर से भर सकते हैं कि नहीं, इन्होंने पूछा है। साथ में यहाँ पे एक डाउट है कि ब्रदर अप्लीकेशन फॉर्मेट में सिर्फ एक पेज खुल रहा है और अप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा, तो इनका डाउट अभी मैं लाइव क्लियर करने वाला हूँ, आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। साथ में यहाँ पे इनमें 10th के साथ कोर्स सर्टिफिकेट मांगा है, जरूरी है कि नहीं है, इनका सवाल है। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सर पेमेंट कहाँ से करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें पेमेंट जो है तो डाक के माध्यम से करना होगा, डीडी बनवा के करना होगा। आगे मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में कैसे आप लोग देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे देख सकते हैं सर जी हाई स्कूल का मार्कशीट है और यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होता है, तो जी बिल्कुल। और यहाँ पर फॉर्म पीडीएफ फाइल नहीं आती, तो आप बिल्कुल देखते जाइए, अभी मैं कैसे आपके सामने चुटकी में डाउनलोड कर दूंगा। तो चलिए, अब यहाँ पे बहुत सारे कमेंट है, सेम कमेंट है, तो हम जो है तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि आपको इस भर्ती में आवेदन करने का ऑफलाइन फॉर्म और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया सरकारी नौकरी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो लगता है अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, तो अभी करिए, क्योंकि इसी के अंदर पूरा का पूरा डाटा है। और आप लोग जब जीमेल के माध्यम से रजिस्टर करेंगे और इस एप्लीकेशन को 5 स्टार की रेटिंग के साथ एक अच्छा सा रिव्यू देंगे, कमेंट करेंगे, उसके बाद आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर दिखाए गए सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और सभी भर्तियों के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। तो इसको अभी करिए। इसके अलावा भी एक रास्ता है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में naukrikhabar.com के इस पेज का लिंक मिल जाएगा, जो कि बीएसएफ के एप्लीकेशन फॉर्मेट के ऊपर है। तो आप लोग इसमें आ सकते हैं क्लिक करके, जहां पे आप लोग कमेंट करते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे दूंगा, तो क्लिक करके आ जाइएगा। फरवरी 12 2020 का बड़ा अपडेट है, बीएसएफ रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए यहां पर 317 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आपको मैंने पूरी की पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करना है तो आपको सबसे नीचे आना होगा। सबसे नीचे आने पर आपको इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा,
इम्पोर्टेंट लिंक के सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन देगा, तो आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आपको ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पर 33.55 MB का एक आपके सामने PDF डाउनलोडिंग में लग जाएगा, आपको इसको डाउनलोड हो जाने देना है। और ये जैसे ही डाउनलोड होता है तो आप लोगों के सामने जब ओपन होगा तो लगभग 30 से 32 पेजों का एक आपके सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन प्लस आवेदन करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये डाउनलोड हो चुका है और ये जो है तो ओपन भी हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट ओपन हो चुका है। अब इसी के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, जैसे कि आपका जो है तो पहला जवाब की फॉर्म कहाँ से मिलेगा। आपके सामने मैंने लाइव डाउनलोड किया है, 32 पेजों का ये फॉर्म है। आपको यहाँ पे सबसे नीचे चले जाना है। आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म किस पेज पे मिलने वाला है। एक आदमी का एक यहाँ पे कैंडिडेट का कमेंट था कि केवल एक ही पेज आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल पूरे के पूरे 32 पेज आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे जो आपका 18 नंबर का पेज है उसी के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, जो कि आपको कंप्यूटर के माध्यम से निकलवाना होगा। और इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट को मैंने भर के दिखाया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा कि फॉर्म कैसे भरें, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। अब एप्लीकेशन फॉर्मेट तो आपको मिल गया, दूसरा डाउट आपका जो एज को लेकर था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एज और क्वालिफिकेशन दोनों इसी नोटिफिकेशन के अंदर दिखाई गई है। कहीं पे 20 से लेकर 22, तो कहीं पे 20 से लेकर 28 और 20 से लेकर 25 साल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो है तो मैट्रिकुलेशन 10वीं पास कम से कम और 12वीं पास के साथ साथ अदर यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। और इसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पर आपका जो फीस पेमेंट करने का एड्रेस है और बाकी सारी चीज़ें हैं तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया। जैसे कि आप यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की तरह से पोस्टल ऑर्डर की तरफ से यहाँ पे 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। अदर पोस्टों के लिए 100 रुपये आपको यहाँ पे इस एड्रेस पे भेजना होगा, जो कि एड्रेस आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म बीइंग सबमिटेड बाय द कैंडिडेट और यहाँ पे आपको जो है तो दिया गया है, तो आप लोग जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा भी आपके जो जो डाउट है वहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। और भी मेन डाउट है, एज को लेकर डाउट था, यहाँ पे आपका एग्जाम के बारे में जो आपका डाउट है, तो यहाँ पे आप जब सिलेबस में आएंगे सिलेक्शन में तो वो भी आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे कि आपका एग्जाम होगा कि नहीं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए यहाँ पे रिजर्वेशन लागू होगा। और हाइट को लेकर यहाँ पर जो आपका डाउट था, तो आप लोग यहाँ पे डाउट भी क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है तो 165 सेंटीमीटर रखा गया है मिनिमम, और सिलेक्शन के अंदर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए आप लोग अदर चीज़ें अपने से जो है तो चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें ही मैंने बता दी है, एड्रेस से लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी है। और यहाँ पे भी आप लोग देख पाएंगे कि कैसे आपको सेंड करना है और कहाँ पे सेंड करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई है। तो एक बार आप लोग जरूर डाउनलोड करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपके सामने ये पूरी डिटेल आ जाएगी एप्लीकेशन फॉर्मेट सहित, तो आप लोग इसको भी निकलवा लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।